हम शौच के लिए शौचालय का प्रयोग करेंगे, शौचालय के लिए हम अपने व्यक्तिगत साफ सफाई रखेंगे, अपने गांव तथा समुदाय को साफ सफाई एवं स्वच्छता बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। यदि कोई बच्चा हमारे गांव में बुखार से पीड़ित होगा उसके परिवार को तुरंत इलाज के लिए सरकारी अस्पताल जाने हेतु प्रेरित करेंगे। 18 अक्टूबर से शुरू होने वाला दस्तक संचारी कार्यक्रम के अंतर्गत आशा आंगनवाड़ी, जो कि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, सभी के घर घर जाकर लोगों को दिमागी बुखार, मलेरिया, डेंगू सभी बीमारियों की जानकारी देंगी कि कैसे इन बीमारियों से लोग बच सकते हैं, कैसे घर में साफ सफाई रखें, और यदि कोई भी मरीज उनको मिलता है बुखार का या दिमागी बुखार का तो उसको निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कर। आशाओं को मेडिसिन किट अवेलेबल उपलब्ध कराई गई है कि अगर किसी भी घर में उनको बुखार का मरीज मिलता है तो उनको वो दवा की किट उपलब्ध कराएंगे।